हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो 2023 के लिए जो मॉडल पेपर अभी आ रखा है लेटेस्ट, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। तो बिना किसी देरी के पहले पार्ट पर आ जाते हैं, सेक्शन अ खंड अ। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, 12 और 15 का लौ शपा और मौ शपा क्या होगा। पहले लौ शपा बोला है फिर मौ शपा बोला है। देखो 12 है, 12 का गुणनखंड कीजिए तो क्या होता है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 है कि नहीं। और उसके बाद अगर आप 15 का करोगे तो क्या मिलेगा, 3 5 15, 5 5। सो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 2, 3 1 बार, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 1 बार 5। ये तो लॉ सोपा क्या, मौ सोपा निकालने के लिए जो भी पहले चीज़ देखनी होती है कि भैया दोनों में क्या चीज़ है, दो संख्या दोनों में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम जो पहले दोनों में है उसकी अधिकतम घात 3 है, और जो चीज़ बच गई उसे गुणे में डाल दूँ, 2 की घात 2 और 5। तो ये क्या है, 2 की घात 2 यानी कि 4 5 20, 20 3 60, तो एलसीएम 60 आ गया। अब आपको एचसीएम निकालना है, तो जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात 1 ही यानी कि 3 आ जाएगा, 3 की घात 1 3, तो 60 और 3 होगा। ठीक है, कह रहे हैं बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0.0 होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यदि 2x + y = 0 तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म क्या है। ठीक है, वो आपको देखना है। तो अगर पहला वाला रख के देखें, ये वाला x के जगह पर 1, देखो कौन सा हल होगा, जो बायां पक्ष रखने पर दायां पक्ष देते वही हल होगा। तो x के जगह पर 1 रखो, पहला वाला रख के देखते हैं, y के जगह पर 2, तो 2 2 4, 6 आना चाहिए, 4 आ रहा है तो बराबर नहीं आए, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे वाले पे आ जाओ, 2 2 4 और 1 5 नहीं होगा, 2 3 ये वाला हो जाएगा। देखो x के जगह पर 2 रखो और y के जगह पर 2, तो 2 2 4 + 2 आ गया, 6। ठीक है, बाएं पक्ष हल किया, हमें दाएं पक्ष मिल गया। ओके, आगे आ जाओ, कह रहे समीकरण a = 0 नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि मूल वास्तविक नहीं होगा कब, जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा आएगा, यानी व्यक्तिकर का मान जब 0 से छोटा आता है, d का मान जब 0 से छोटा होता है, d का मान क्या होता है, b² - 4ac। तो ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी के लिए सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, सर्वांतर आ गया 4। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, ये 2 है, sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2, 2 × 2 = 2, 2 से 2 कटा, ऊपर 1 बचा, क्या आ गया 1। फिर आ जाओ, एक वृत्त के कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती हैं, ये आपका वृत्त है, इसकी अनंत स्पर्श जगहें हो सकती हैं, कितनी, अनंत। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, π r² अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का वो होता है 2π r h, जो कि आपको दे रखा है 968। ठीक है, तो 2π का मान क्या होता है, 22/7, r का मान निकालना है और h का मान हमें दे रखा है कितना, 11, 968 है, तो काटो इसको, कटेगा क्या, अगर 11 से काटें 11 8 88, 11 से नहीं कटेगा ना। ठीक है, 88 नहीं कटेगा, 11 से तो नहीं कटेगा, 22 से कट सकता है क्या, 2 से तो कट ही जाएगा, तो 2 2 2 2 4 8, 1 5 16 गए, 2 8 16, 2 6 8। ठीक है, 22 से कटेगा, 22 2 44, 4 5 22 2 44। ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ से 11 कम 11, 11 2 22, तो यहाँ से आ गया आर, ऊपर है 2, यहाँ इधर से 2 बचा, और ये बट्टे का इधर आके क्या हो गया गुणा, तो आर का मान क्या आ गया बच्चा, 7 2 14।
14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हुए करेंगे सारा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 7 कितनी बार है, एक ही बार, 4 है, 2 बार, 3 बार, 3 है, 2 बार, तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार है ना, तो 4 बहुलक हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या, देखो पासे पर जो संख्या होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में हो और जो खुद ही से कटे, 2, 3, 5। प्रायिकता निकालनी है आपको, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 1, 2, 3, कुल परिणाम है 6, 3 × 3, 3 × 6, आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर, 3 + 8, देखो 3 परिमेय संख्या, 2 √5 है क्या परिमेय संख्या, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। सभी वृत्त, ये छोटा वृत्त ले लो, बड़ा वृत्त ले लो, दिखने में कैसे होते हैं, तो ये सभी वृत्त क्या होते हैं, यहाँ पे समरूप होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दशमरूप, थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको, मिस्टेक को हम सही कर देते हैं। 10 × 30 × 10 = 60 का मान क्या होता है, 10 × 30 का मान देखो 10√3, 10√60 का मान तो 1√3, 1√3 से 1√3 घटा क्या बचा, 1। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, देखो ये जो वृत्त होते हैं ये उसकी स्पर्श रेखा होती है और ये उसकी त्रिज्या होती है, उसके बीच कितने इंच का कोण बनता है, 90 इंच का कोण, समकोण बनता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर, अगर वर्गीकृत आंकड़ा है तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। मैंने कल्पित माध्य और भी हैं, कल्पित माध्य विधि, अपक विचलन विधि, कोई सा भी लगा सकते। तो किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है, 0। 2 चरवरैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए, अद्वितीय होने की शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। ठीक है, कह रहे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए, तो x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² − k4ac/2a। ठीक है, समांतर श्रेणी के 12 पदों का युगफल ज्ञात करना है, अब इन प्रश्नों को हल करना ही पड़ेगा, तीसरे का थर्ड, बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह खत्म करा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर सैम्पल पर सब करा रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये चूंकि हमारे पास प्रथम पद क्या है, 2 है, सर्वांतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आपको 12 पदों का योगफल निकालना है। तो एशन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n − 1 × d है कि नहीं, अब आके हल करेंगे, n की जगह पे तो 12 है, 12/2, a का मान 2 है, ठीक है, 12 − 1, और d का मान है 3, हल करेंगे, 2 × 12 2 × 4, यहाँ से 11 बचेगा, 11 × 3 = 33, तो 33 और 4 = 37 हो जाएगा, गुणा करेंगे, 7 × 42 हासिल लगा 4, 7, ठीक है, 6 × 3 = 18 18 × 2 = 20, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, फोर्थ नंबर। देखो बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हर साल आते हैं, दिया है, एक नंबर का क्वेश्चन है, दे रखा है, और 2 समरूप है ना, ये आपको दे रखा है, कितने दे रखा है, 4:9, यानी कि 4/9, अनुपात का मतलब बट्टे में होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसलिए प्रमेय 6.6 से, अगर 2 त्रिभुज समरूप होती है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल अनुपात निकालना है हमें, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है क्या होता है, संगत भुजा का वर्ग, संगत भुजा का अनुपात,
ठीक है, उसका क्या करना होता है, हमें वर्ग करना होता है। तो संगत भुजा के अनुपात क्या है, 4/9, वर्ग करेंगे चाचा को 16, 9 में 81, तो 16:81 आ जाएगा। क्योंकि लिखने हल करने वाले प्रश्न है तो एग्जाम में जैसे हल करना है वैसे ही मैं आपको हल करते हुए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसका मान ज्ञात करना है, देखते पता चल गया होगा कि आंसर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है sec 40/cosec, ओके। सो देखो 40 और 50 को जोड़ने पे 90 मान मिलता है ना। जब दो कोण को जोड़ो और आपको मिले 90, तो उनमें से किसी एक को बदलना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो इधर से इसको बदलते हैं, सेक 90 में से मैं कितना कटाऊँ, 40 आ जाए 50, ऊपर वाला बदले नीचे वाला ऐसे का वैसे रखो। हाँ, सेक 90 में से हम कितना कटाएंगे, 50 आ जाए 40, ऊपर वाला बदल रहे तो नीचे वाला वैसे रहेगा, कोई एक बदलोगे तो दूसरा नहीं बदलना है। आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पर क्या 50, तो ये हो जाएगा कॉसेक 50, नीचे है कॉसेक 50, ये हो जाएगा कॉसेक 40, नीचे है कॉसेक 40, कट के एक आया। ठीक है, 1 माइनस 1 आंसर आ गया 0। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, छठे में कह रहे 9 sec² θ - 9 tan² θ, तो 9 इसका मान ज्ञात कर, 9 बनिष्ठ है, sec² θ - tan² θ, तो इसका मान होता है 1, 9 = 9। ठीक है, ये सर्वसमिक है, इसका मान क्या होता है 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे एक समय मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण कितना होगा, 45। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है ना। देखो प्रश्न में बोला गया है एक समय उसकी जो ऊंचाई है ना उसके छाया की लंबाई के बराबर है, अगर ये एच है तो ये भी एच है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, माना उन्नयन कोण थीटा होगा, ए बी सी। ठीक है, जितनी ऊंचाई होगी उतनी छाया की लंबाई होगी, दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में, जो दो दूरी पता होता है ना उनका अनुपात निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका सामने वाला लंब है, ये आपका आधार है, 90 इंच के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। सो आपको ये सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, पता है कि नहीं सूत्र, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, जैसे कॉट, फिर सेक और यहाँ कॉसेक, तो ये आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब क्या होता है कॉट। ठीक है, ये आ जाएगा कॉट थीटा। देखो बच्चों इसका मान भी एच है और इसका मान भी एच, 1 आ गया। अब इधर कॉट है तो इसका मान भी कॉट में सोचना पड़ेगा क्योंकि बराबर है, तो कॉट 45 का मान होता है, तो कॉट से कॉट हटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 45, तो जो उन्नयन कोण होगा बच्चों को कितना होगा 45। हल करके दिखाना पड़ेगा इन प्रश्न में। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि थीटा मान ज्ञात करने के लिए जो हमें आकृति दे रखी है ना उनका अनुपात निकालो, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बटा आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा का मान निकालना, बी सी है 10, ए बी है 10√3, दस से दस कटा तो इसका मान 10 में सोचो, 10 30 का मान होता है, 10 से 10 हट गया, यहाँ पे आ गया 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है तो AOB ज्ञात कीजिए। ठीक है, नवा नंबर है ये, आपका एक बिंदु बाहर P है, ये दो स्पर्श रेखा यहाँ से झुकी पड़ी है, चित्र भी बनाना है। ये PA है, ये PB है, ये केंद्र आपका क्या है, O है, तो आपको AOB निकालना है। AO ये किसके कितने कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पर। ठीक है, हमें दिया है, क्या दिया है, APB एंगल APB 80 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, मान लेते हैं ये एक्स है, चूंकि प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का, तो जो कोण ए है और जो कोण बी है वो कितने होंगे, 90 डिग्री का होगा, चूंकि AOBP एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360, एंगल ए प्लस ओ प्लस बी प्लस पी 360 होगा। ए का मान 90 है, ओ का मान हमें ज्ञात करना है एक्स, ठीक है, बी का मान हमारे पास 90 है और पी का मान हमें 80 दे रखा है। ठीक है, सो 90 90 है, 180 180 80 260, तो प्लस का 260 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 260, तो कितना जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो बच्चों जो रचना वाले जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास वगैरह साधन नहीं है, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो ये जो एक नंबर का प्रश्न है, ठीक है, और ये प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर सर्च भी करोगे ना तो मेरे सारे वीडियो आपको टॉप में मिलेंगे और हर एक वीडियो पर मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं, ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं इसके, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जिसका थीटा जो दे रखा है हमें प्रश्न में दिया है, हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, कोण थीटा ये दे रखा है 60 डिग्री, तो हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर गुणे में, थीटा का मान क्या है बच्चों, 60 डिग्री, पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखेंगे और आर है 6, स्क्वायर तो 6 × 6, 6×36 6 × 6 = 22×6 = 132 बट्टे में 7, यहीं पर छोड़ दो, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले वाले पर आते हैं, करें एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदे, इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो आपके पास एक बक्सा है, ठीक है, इस बक्से में दिया क्या है हमें, नीली गेंद, नीली गेंद 3 है, सफेद गेंद 2 है और लाल गेंद हमारे पास 4 है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसलिए कुल गेंद कितनी हो जाएगी,
तीन और दो पाँच और चार नौ, ठीक है, कुल गिन हमारे पास नौ है। प्रश्नानुसार क्या निकालना है बच्चों, निकाली गेंद नीली, नीली गेंद, नीली गेंद आने की प्रायिकता, ये चीज आपको निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम, नीली गेंद कितनी है तीन, संभव परिणाम कुल परिणाम है नौ, तीन कम तीन, तीन दिया नौ, ये आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन ब में, खंड ब, कह रहे दो संख्याओं इतने और इतने का मौसम ज्ञात करना है। अब किसी भी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं आराम से। मैंने बच्चों दो नंबर वाले प्रश्न के लिए अलग वीडियो बना रखा है, इंपॉर्टेंट तीन नंबर, चार नंबर, एक नंबर, छः नंबर, हर टाइप के क्वेश्चन की वीडियो अलग बना रखे हैं और मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, आप जाके चैनल पर जरूर देखें एक बार। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार में, ठीक है, संख्या क्या दे रखा है 616, तो 616 का किस विधि से निकालते हैं, आवाज वर्णखंड विधि से, दो से काटो दो तीन छः जीरो, दो अट्ठे सोलह, फिर दो से काटेगा दो एक कम दो, दो पंच दस, दो चौके आठ, किससे कटेगा दो से कटेगा दो सत्तर चौदह, एक बजा दो सत्तर चौदह, सात से कटेगा सात एक कम सात एक कम, ग्यारह एक कम ग्यारह एक कम, बत्तीस का वर्णखंड करो दो एक कम दो, दो छंग बारह, दो अट्ठे सोलह, दो चौकों आठ, दो दूनी चार, दो एक कम दो, ठीक है। तो देखिए आवाज वर्णखंड विधि से 616 को दो कितनी बार है, तीन बार, सात एक बार, ग्यारह एक बार, बत्तीस में दो कितनी बार है पांच बार, तो हमें क्या निकालना, ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में है। ये सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात, बस जो दोनों में वही लेते हैं सिर्फ, दो की घात तीन यानी कि दो दुनी चार दुनी आठ, पहला आंसर। फिर हमें एलसीएम निकालना है जो दोनों में उसकी अधिकतम घात, ठीक, और जो बच गए हैं सात और ग्यारह बच गए हैं उसको गुणे में डाल दूं, तो ये बत्तीस ग्यारह सत्तर सतहत्तर, तो गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो कमेंट करके बताना गुणा करने पे कितना आ रहा बच्चों, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य चार और एक हों, ठीक है भैया निकालते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये दूसरा पांचवा दिया है, क्या दे रखा है शून्यक, तो मान लेते हैं अल्फा में दे रखा है चार और बीटा में दे रखा है एक, ठीक है, ये में दे रखा है, हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है हमें, तो सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये सूत्र होता है, तो मान रख देंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान चार है और बीटा का मान एक, ठीक है, अल्फा चार बीटा एक, तो सूत्र हो जाएगा चार और एक पाँच, चार एक कम चार, तो ये आपको आपका द्विघात बहुपद मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के सूत्र से ज्ञात करना है आपको इसका हल, द्विघात सूत्र से, है ना, छठा क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र को हम क्या कहते हैं, श्रीधराज्य का नियम भी कहते हैं। द्विघात समीकरण हमें क्या दे रखा है बच्चों प्रश्न में, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के टू बराबर जीरो, है कि नहीं, यही दे रखा है, चूंकि ए के स्थान पर यहाँ पर छः है, बी के स्थान पर एक्स का गुणज माइनस के वन और सी के स्थान पर माइनस के दो दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य के नियम से, जो लिखना चाहो, सूत्र क्या होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, एक्स बराबर होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के फोर इसी बट्टे में टू के, है कि नहीं, ये सूत्र होता है, इसको डब्बे में बंद भी कर देता हूँ एक बार, मान रखते हैं
बी का मान है माइनस का एक प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान छः, सी का मान माइनस के दो, बट्टे में टू ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक का वर्ग एक, माइनस माइनस प्लस, छः चौक चौबीस, दूनी अड़तालीस, छः दूनी बारह, अड़तालीस और एक उनचास हो जाएगा, उनचास का वर्गमूल सात। ठीक है, अब एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, एक बार आपको माइनस चिन्ह लेना है। तो प्लस चिन्ह लेने पर और यहाँ पर लिख दे दो माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, सो देखो प्लस चिन्ह लेने पर यह हो जाएगा वन प्लस का सात बट्टे बारह, आठ बट्टे बारह, चार दुनिया आठ, चार दिए बारह, तो एक्स का मान आ गया दो बट्टे तीन, पहला आंसर। फिर हमें लेना पड़ेगा माइनस, माइनस का छः बट्टे बारह, छः कम छः, छः दुनी बारह, तो एक्स का मान आ गया माइनस के एक बट्टे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्या कहा जा रहा है कि बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले खंड को एक्स अक्ष, अरे भाई कौन सा अक्ष है ये, यहाँ कोई अक्ष मेंशन नहीं, मिस्टेक छपा है प्रश्न में, तो मैं यहाँ से एक्स अक्ष बोल देता हूँ। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये बोर्ड्स के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर मिस्टेक्स आ जाती है। अगर आप मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में अटैम्प्ट करते हो ना, तो उसके पूरे नंबर मिलते, चाहे आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक क्वेश्चन दिखे, अटैम्प्ट कर दो, तो उसके फुल नंबर मिलेंगे। अटैम्प्ट कर दो, भले ही सॉल्व मत करो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपके दो बिंदु दे रखे हैं एक अखंड का। पहला बिंदु दे रखा है एक कोमा पाँच माइनस का, दूसरा दे रखा है माइनस चार कोमा पाँच। ठीक है, इसे मैं ए बोलता हूँ, इसे मैं बी बोलता हूँ। एक्स अक्ष के लिए बोला है, माना वो बिंदु पी है जो कि इसको एम वन अनुपात एम टू में व्यक्त करता है। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है, जीरो, तो माना वो बिंदु एक्स कोमा जीरो है। तो ये मेरा एक्स वन, ये मेरा वाई वन, एक्स टू, ये मेरा वाई टू, किस अनुपात में व्यक्त करता है, बस अनुपात पूछा है, एम वन अनुपात एम टू। तो अनुपात निकालने के लिए जिसका आंकिक मान बताओ वो लेना होता है, तो ये लिखेंगे विभाजन सूत्र से। y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो y का मान है जीरो, m1 पता नहीं, y2 का मान है पाँच, m2 पता नहीं, y1 का मान है माइनस के पाँच, m1 प्लस m2। इसके गुणा इसके साथ करोगे, जीरो के गुणा किसी के साथ भी करो जीरो, और ये आ जाएगा पाँच m1 माइनस के पाँच m2। तो माइनस के पाँच एम टू इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये जो पाँच गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये जो एम टू इधर गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, पाँच एकम पाँच। तो एम वन बट्टे का मतलब होता अनुपात, ये आ गया एक अनुपात एक। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। देखो हिंदी में मिस्टेक्स था, अंग्रेजी में नहीं है, एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हिंदी के दोनों क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। आगे बढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल ढील नहीं है, है ना, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। आसान सा प्रश्न है। देखो हमारे पास क्या बोला गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, और भूमि से दूरी पर ना यहाँ पर एक बांध दिया गया है, और ये हमारी रस्सी है। ठीक है, ये हमारी रस्सी, हमें क्या दे रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, और
जो कोण बना रहा है, ये रस्सी जो कोण बना रही है भूमि के साथ, वो कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। तो हमसे क्या बोला, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। ये डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं डोरी की लंबाई एक्स है, नाम दे दो इसको ए बी सी। तो ये रख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, जो पता होता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। कोण के सामने वाली भुजा ये क्या है? लंब। तो ये क्या है? कर्ण। ठीक है, तो बी सी बट्टे ए सी, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो ये 60 और ए सी का मान है एक्स। साइन 60 का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2। इधर आ जाएगा, ये गुणे में लग जाएगा, 120। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो अंडर रूट 3 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 क्या होता है बच्चों? सिर्फ 3। अंडर रूट हट जाता है तो ये आ जाएगा 40। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 40 अंडर रूट 3। ठीक है, इतना मीटर, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होगी डोरी की लंबाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड खींचकर उसे 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है किस किस प्रश्न का? 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, देखो एक ही टाइप के दो क्वेश्चन आ गए, तो इसे आप आराम से कर लेंगे। और ये जो 10वां प्रश्न है, ये भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 NCERT, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने करा रखा है। अगर मेरे पास साधन होता तो मैं अभी करा देता, बाकी आप, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अब तो आप जाके देख सकते हैं। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। 11वां नंबर कह रहे, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं इसको। हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 12वां 11वां। हमारे पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, क्या बोला गया कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो सर्वांगक्षम होते हैं दोस्त। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मिस्टेक है, पूरा नहीं है। यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांगक्षम होता है, ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिखा है। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मिस्टेक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांगक्षम होता है, ये पूरा प्रश्न है। ये आपके NCERT का प्रश्न है, प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4था या 5वां होगा। ठीक है, तो वो एक एक प्रश्न मैंने करा रखा, पूरी NCERT पढ़ा रखी है। ठीक है, हम जाके देख सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं है। तो मान लेते हैं आपके पास दो त्रिभुज है, एक का नाम मैंने बोला ABC जो कि समरूप है, और दूसरे का नाम मैंने बोल दिया PQR। ठीक है, ये समरूप भी है और हमें दे रखा है कि इनका जो एरिया है ABC वो किसके एरिया के बराबर है? PQR के। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये सर्वांगक्षम है। सर्वांगक्षम है मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है त्रिभुज PQR के, दैट इज, इसका मतलब ये तभी, इसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, जो AB है इसके बराबर सिद्ध करनी होगी PQ के, जो BC है उसके सिद्ध करना होगा QR के, और जो मेरा ये वाला है AC इसको सिद्ध करना होगा PR के, तब जाके ये आपस में क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है, चूंकि प्रमेय 6.6 से, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते तो प्रमेय 6.6 क्या कहते हैं? इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, एरिया ABC बट्टे एरिया PQR, इनकी संगत भुजा AB ले लो यहाँ से,
और यहाँ से पी क्यू ले लो के वर्ग का बराबर होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यह पढ़ के आए हो। परंतु यहाँ पे बोला गया कि इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो जब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो देखो ए बी सी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, पी क्यू आर, नीचे ऑलरेडी है पी क्यू आर, कट के क्या आ जाएगा वन, है ना, तो वन को मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तुलना करूंगा यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ देख लूँ, ए बी एक कम ए बी, पी क्यू एक कम पी क्यू, आ गया। इसी प्रकार दूसरा वाला प्रूफ नहीं करना होगा, अगर मैं ये वाला साइड और ये वाला साइड लेके चलता इसी प्रकार मुझे क्या मिल जाता, बी सी मिल जाता क्यू आर के इक्वल और ए सी मिल जाता मुझे पी आर के इक्वल। ये प्रूफ नहीं करना, ये बस एज इट इस तरीके से लिख देना है। अतः ठीक है, इनसे आपको क्या पता लगा, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांश में त्रिभुज पी क्यू आर के, पहले से तो समरूप बोल रखा था, हमने भुजा को भी बराबर दिखा दिया, अब ये क्या हो जाएंगे सर्वांगक्षम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 12वें नंबर पर क्या बोल रहा है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला गया है 12वें नंबर में, देखिए आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, ये आपकी घड़ी है और यहाँ पर ना एक मिनट की सुई है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई हमें दे रखी है प्रश्न में वो दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर, वो 5 मिनट में सपोज करो यहाँ तक पहुँच जाती है, तो इसने कितना क्षेत्रफल घेरा, ये क्या है त्रिज्यागण के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें क्या पता है, सुई की लंबाई जो कि त्रिज्या के बराबर काम करती है, हमें दिया है आर 14 सेंटीमीटर, हमें कोण नहीं पता, हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोण निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, चूंकि 60 मिनट में रचित जो कोण होता है, एक चक्कर में कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री, इसलिए एक मिनट में रचित कोण कितना होगा, 60 से भाग दे दोगे 6 डिग्री आ जाएगा, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण 5 से गुणा कर दोगे, है ना, एक टॉफी की कीमत 2 रुपये, तो 5 टॉफी की कीमत कितनी होगी, गुणा करने पे मिलता है, तो 5×6 डिग्री आ जाएगी। तो कोण हमें मिल चुका है, अब अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो थीटा है 30 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, त्रिज्या है 14, 3×3 × 3 × 6 × 7 × 14, 2×6 = 12, 2×3 = 2, 2×1 = 2, 11×6 = 44, 11×11 और 4 15 बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आते क्या बोला जा रहा है, कह रहे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्या बोल रहे हैं, एक बड़ा धातु का गोला है, उसे पिघलाकर एक क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो जब एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित करते हैं तो हमारा आयतन सीमित रहता है, नियत रहता है, आयतन नहीं बदलता, क्योंकि हमारे पास वस्तु तो उतनी है, इसको हमने गोल बनाया, इसको मैंने मिट्टी, देखो खेलते हो ना बचपन में, एक मिट्टी से गोल बना, तो उसी मिट्टी से आप ऐसे लंबा करके ये बना दे रहे हो, तो मिट्टी तो उतनी रही ना, मिट्टी नहीं बदली, यानी कि आयतन फिक्स है।
जो गोला में दे रखा था उसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी थी वो हमें दे रखी थी 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोले को पिघला कर जिसकी त्रिज्या है आपके पास, इससे स्मॉलर बोल दो, ये दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, माना ऊंचाई h होगी बेलन की। चूंकि चूंकि क्या है बच्चों, गोले का आयतन किसके बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर, ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। सूत्र लगा देंगे 4/3 πr³ और ये हो जाएगा πr² h, दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कैंसिल, 4/3, आर का मान क्या है 4.2, 4.2, 4.2, ठीक है। और r² यानी कि 6 × 6, और हमें h का मान निकालना है। तो देखो बच्चों ये 6 इधर है, गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो काटें 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, काटोगे 1.4, 1.4, 1.4, 14 × 14 196, 196, ठीक है। ये आपको मिला, अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना इन दोनों की, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 196 को गुणा कर दीजिएगा आप, देखो 196 को जब हम गुणा करते हैं 14 से, तो हमारे पास आता है 2744। अब दसों ने कितने दिन बताए, 2 और 1 3, 2.744 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे विमा इतने 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 वाला एक घना बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, ठीक, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। शानदार क्वेश्चन है और इजी है बहुत। हमारे पास एक घनाभ है, ये घनाभ है जिसकी जो डायमेंशन दे रखी है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है, और डायमेंशन क्या मतलब लंबाई हमें दे रखा है इसमें 5.5 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसको बनाने में कितने चांदी के सिक्के को पिघलाने पड़ेंगे, मैंने बोला n चांदी के सिक्के को पिघलाने पड़ेंगे। चांदी के सिक्के किस आकार के होते हैं, बेलन के आकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जिसका जो व्यास है डी वो हमें दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, आधी 1.75 का आधा करोगे, यहाँ 10 हटाओ, पीछे से 2 0 हैं, 2 संख्या 2 0 बढ़ जाएगा, 25 × 8 = 200, 25 × 6 = 150, 25 × 7 आर का मान आ जाएगा 7/8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है यानी कि मोटाई मतलब ऊंचाई हो जाएगी इसके लिए, वो दे रखा है 2 mm, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से गुणा करते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, n चांदी के सिक्के का आयतन है कि नहीं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अच्छा इसको h से दिखा रहे हैं, तो इसको कैपिटल h से दिखा देते हो। और चांदी के सिक्का यानी कि बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, ठीक है। मान रखते हैं तो l का मान हमारे पास है 5.5, ये 10 और ये 3.5, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान क्या है हमारे पास 7/8, 7/8, और एच का मान 1/5। अब तो बस हल ही करना है, 1 7 से 1 7 कटा है कि नहीं, और यहाँ से देखो गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, और ये जो बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएंगे,
और ये जो गुणे में है इधर आके बट्टे में आ जाएंगे, यहाँ सिर्फ एन बचाओ। ठीक है, कटेगा 11 दूनी 22, 11 5 55, 7 5 35, ठीक है, और 2 6 8। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 5 5 25 दशन भाई के स्थान के बाद, 5 6 20, ठीक है, गुणे 8 × 5 6 20, तो 25 8 200 दशम भाई के स्थान के बाद, 20 × 20 40, 40 सिक्के को पिघलाने पड़ेंगे, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में मस्त पार्ट क्या है ना कि एक्स और एफ दे रखे हैं, वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, तो इस प्रश्न का लॉजिक क्या होगा करने का। देखो, जब सिर्फ एक्स और एफ दे रखा हो ना, तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो ये लगाते हैं हम फटाफट से, टेबल बना लेते हैं। ठीक, एक्स दे रखा और एफ दे रखा है ना, ओके बच्चों, तो फटाफट लिख लेते हैं, यहाँ हमारा क्या है एक्स है, और यहाँ एफ आएगा और यहाँ एफ एक्स आ जाएगा। एक्स हमें दे रखा है 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ लिखते हैं टोटल या कुल। एफ हमें दे रखा है 6 11 7 4, फिर है 4 फिर 2 फिर 1, बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 × 12 11 × 33 7 7 28 5 6 20 6 6 24 7 × 14 80 × 80 0 5 8 5 13, ठीक है, 13 × 4 17 17 × 4 21 21 × 8 29, हाँ से लगा दो, 3 × 1 4 4 2 6 8 10 11 और 2, 11 और 2 कितना होता है 13। सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ से, सीधा सीधा जोड़ते हैं ना, 4 × 4 8 10, ये हो गया 11, ये हो गया 22, 22 और 7 कितने हो गए 29, 29 और 6 35। ठीक है, तो सूत्र में रख देते हैं यहाँ पर मान, तो ये आ गया 1390 और ये आ गया 35, 5 से काटो 75 35, 5 × 2 = 10 75 35, 5 × 8 = 40। ठीक है, 278 है, उसको हमें भाग देना है 7 से, तो ये आ जाएगा 2 दशमलव 2 स्थान तक भाग दे देंगे इतना, ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, 16वें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं, ये ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। शानदार क्वेश्चन है, देखो बच्चों, आपके पास दो खिलाड़ी हैं, एक ए खिलाड़ी है और एक बी खिलाड़ी है। ठीक है, दिया है आपको, ए के मैच जीतने की प्रायिकता, ए के मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है, मान लेते हैं कि वो ई है, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.38। ठीक है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा,
बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या? बी कब मैच जीतेगा? बी तब मैच जीतेगा जब ए हारेगी, है ना? तो बी की मैच जीतने की प्रायिकता होगा किसके बराबर? ए के हारने की प्रायिकता के बराबर, ठीक है? यानी कि पी ई डैश, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये हो गया जीतने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता डैश हो जाएगी। आप जानते हैं किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो एक के बराबर होता है, ठीक है? तो ये प्लस के द्वारा क्या हो जाएगा? माइनस का घटाना कितना है? पी 0.3। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, या प्रतिशत होगा, या प्रतिशत बोल रहे हो, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.62%, ठीक है? ये आपको आपका आंसर मिल गया। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका खंड 100 शुरू हो चुका है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 81 हो। इजी प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, हमें जो एपी दे रखी है बच्चों, वो एपी है 17, 15 ऐसे चल रही है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है? 17 है। सर्वांतर 2 की कमी हो रही है। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है? जिनका योग, यानी कि हमें क्या दे रखा है? एस एन दे रखा है 81, हमें एन ज्ञात करना है, ठीक है? ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एस एन हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? 81। एन पता नहीं, ए का मान है 17 और डी का मान है -2, ठीक है? गुणा करोगे बट्टे में, गुणे में आ जाएगा 2 1 2, 8 2 16, 17 2 34, गुणा करोगे -2n, माइनस माइनस +2, ठीक है? तो देखो यहाँ से 162, 34 प्लस का ये 2 36 हो जाएगा, 36n माइनस के 2n स्क्वायर। यहाँ से ना 2 ओबनिश ले लो, और ये 162 है, ये गुणे में बट्टे में आ जाएगा, 2 8 16, ये तो 81। तो माइनस का इधर के प्लस का हो गया, प्लस का इधर के माइनस, और ये प्लस का 81 पहले से ही है, ठीक है? ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पे 81 आए और जोड़ने पे 18। 9 9 81, 9 गुणा 9, और 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18 आएगा, ठीक है? ठीक है, प्लस करेंगे लेकिन ब्रैकेट में या माइनस होगा ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक साथ खोल दिया। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से उभयनिष्ठ एक्स एन आ रहा है, तो एन स्क्वायर से एन बाहर निकालेंगे तो एन बचेगा, यहाँ से 9 9 आ जाएगा उभयनिष्ठ एन, बाहर नेगेटिव चिन्ह बदल के यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 9 9 81, तो एन माइनस 9 जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में, तो यही आ रहा है, दोनों सेम है। यदि एन माइनस 9 बराबर 0 तो माइनस के 9 इधर के हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है? तो ये 9 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 18वें प्रश्न पे आ जाओ। हमें क्या बोल रहे हैं कि जो 3 बिंदु हैं, सपोज कीजिए पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 2 -2, बी आपको दे रखा है -2, 1, और सी आपको दे रखा है 5, 2। 3 बिंदु, 3 बीच की दूरी पर तो निकालनी पड़ेगी ए बी। सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग होता है। ये x1 हो जाएगा, ये x2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। y1 - 2 y2 1 ए बी के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का वर्ग 16
-3 का वर्ग 9, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 1, ए बी निकालो, अब आ जाओ बी सी। x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, -7, 7 का वर्ग क्या होता है 49, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाते हैं, -1 का वर्ग 1, तो ये आ गया अंडर रूट 50। अब आ जाओ सी ए, ठीक है ना, सी ए x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, -3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग 16, 25 का वर्ग 5 आ जाएगा। देखो यहाँ से, चूंकि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, और यहाँ अंडर रूट 50 का वर्ग, ये होता है 25, ये होता है 25, और अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है 50, 50 = 50, यानी कि दो छोटे भुजाओं का वर्ग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, चूंकि ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के, अतः यह ए बी सी, अरे यार समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये लिख देंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं प्रश्न 19 में, कह रहे निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। अब जिस विधि से बोलेगा ना आपको उसी विधि से ही हल करना है, किसी दूसरी विधि से करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो कल्पित माध्य विधि बोला है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा ना, ऐसे खींच खींच के, वर्ग अंतराल एफ, फिर एक्स, सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आता है वर्ग अंतराल का, फिर बारंबारता, फिर एक्स, फिर डी जो कि होता है एक्स माइनस के ए, और फिर अगला कॉलम आता है एफ डी का, ठीक है। अब जो आंकड़े हमें दे रखे हैं, इन आंकड़ों को हम रखते हैं, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, एफ दे रखा है हमें 7, 6, 9, 13, 20, 5 और ये 4, ठीक है। फिर यहाँ ले लेंगे, अब देखो आप यहाँ से एक्स कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ोगे आधा कर दोगे 13, और इसको जोड़ोगे 24 आ जाएगा 11 को, उसका आधा कितना होता है 12, सब में दो दो का अंतर, अब दो जो दो जोड़ते हो 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। फिर क्या बोला, ए निकालना है, यहाँ पर कुल लिखा जाता है, ठीक है। तो ए निकालने का टेक्निक क्या होता है, ए क्या होता है, कल्पित माध्य, और कैसे निकाला जाता है, एन बट्टे दो पद, कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 का मतलब 4, चौथा पद किस में, एक्स में, 1, 2, 3, 4, ये आपका ए हो गया। तो ये वैसे आपने कैलकुलेशन करके निकाला है, लेकिन लिखना पड़ता है माना करके।
अब हर एक पद में से आपको 18 घटाना है, 12 में से 18 घटाओगे माइनस का 6 आ जाएगा। अब सब में दो दो का अंतर है, दो दो जोड़ते जाओ, प्लस कट दो जोड़ेंगे, माइनस के 4, माइनस के 2, 0, 2, 4, 6। अब गुणा करना है, 7 छंग 42, 6 चौक 24, 9 दुनिया 18, 0, 40, 4 5 चौके 20, 6 चौके 24। तो ये प्लस वाले हैं, कितने हो गए, 4, 6 और 2, 8 84 हैं, और ये माइनस का देखो कितने हैं, ये कितने हो गए, 10 और 14, हंसने लगा, 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 84 हैं, 0 आ रहा है, प्लस का 84 माइनस का जोड़ दोगे तो 0 आ गया। अब शिक में एफ में आना पड़ता है, इसको जोड़ो, देखो जोड़ेंगे तो 25 और 4 29, ठीक है, 29 में आपको क्या जोड़ना है, 13। कैलकुलेशन ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बच्चों, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। 29 हो गया, 29 में कितना जोड़ना है, 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, 42 9 और 6 15 है ना, प्लस कितना, 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57, 57 में आप जोड़ दीजिए 7, तो ये हो जाएगा 64। कहीं पे कोई गड़बड़ हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब सूत्र माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, तो ए का मान हमारे पास कितना है, 18, और सिग्मा एफ डी कितना है, 0 बटे 64, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 18, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए 20वां, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपका वृत्त है, ये उसका केंद्र है, और ये उसका, ये सपोज करो उसका क्या है, ये व्यास है, इसके सिरों पर हमने दो स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, इसका नाम मैंने बोला एक्स वाई, इसका बोला मैंने एक्स डैश वाई डैश, इसका नाम बोला ए, इसका नाम बोला बी, हमें सिद्ध क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, सिद्ध करना है कि ये जो एक्स वाई है ना वो समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है, चूंकि प्रमेय 10.1 से, देखो ये आपका क्या स्पर्श रेखा, ये आपकी क्या त्रिज्या, इसके बीच 90 कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, और यहाँ पे भी 90 बनेगा, ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर दिखाऊँ, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं, एक्स डैश बी ओ कोण जो बराबर है वो बराबर है वाई ए ओ के, और उसके साथ साथ वाई डैश बी ओ, ये वाला जो कोण है वो बराबर है एक्स ए ओ के, क्यों, दोनों क्योंकि सब 90 हैं, और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो अगर इधर वाला कोण इधर बराबर होता है तो ये क्या होता है, एकांतर कोण, ठीक है। अब एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं, एकमात्र स्थिति है उसकी कि एकांतर कोण तभी बराबर हो सकते हैं जब ये जो रेखा होती है और ये जो रेखा होती है आपस में समानांतर हो, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि एकांतर कोण बराबर है और ये स्थिति तभी संभव है जब ये रेखा और ये रेखा समानांतर हो, अतः एक्स वाई समानांतर हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश के, हो गया, इतना आसान था, इससे आसान एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है, आलेखी विधि से हल करना है, ग्राफ के क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, 4 नंबर में, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2 दिन पहले ही मैंने सॉल्व कराया था, बट टेंशन मत लो, मैं फिर करा दूंगा आपके लिए, तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, अथवा दोनों कराएं या एक ही कराएं, चलो पहले वाले पे आ जाते हैं, दिया है, क्या दे रखा है, पहला समीकरण दे रखा है 2x + y = 6, और अगला दे रखा है 2x - 3y = 2,
ठीक है। तो एक समीकरण से दो बिंदु निकालते हैं, माना एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह पर जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वाई बराबर छः, तो वाई का मान आ गया छः। जो पहला बिंदु है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, पुनः अब की बार मैंने वाई को जीरो माना, माना कुछ भी मान सकते हो, वाई बराबर जीरो, जीरो मानो तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, तो टू एक्स बराबर छः, दो तीन छः, ठीक है। तो दूसरा बिंदु आपका 3,0 हो जाएगा, तो बिंदु आपके पूर्णांक में मिलने चाहिए, ध्यान रखना। अब इस वाले पे आ जाओ, दिमाग लगाना थोड़ा, ठीक है। माना वाई बराबर जीरो, तो किस जीरो को किसी भी से भी गुणा करो जीरो हो जाता है, तो यह आ जाएगा टू एक्स बराबर दो, दो एक दो, एक्स का मान एक, तो जो पहला बिंदु मिलेगा इसमें एक्स का मान एक और वाई का मान आपको जीरो मिला। और एक बिंदु चाहिए, पुनः क्या मानते हैं, अब की बार थोड़ा सोच के मानना, ठीक है। मैं क्या कर दूँ, वाई का मान ही दोबारा मानता हूँ, दो मानता हूँ वाई का मान, तीन दिन छः उधर जाके प्लस में हो जाएगा ताकि कट जाए। मैंने वाई का मान क्या माना, दो माना, एक बार जो है दोबारा नहीं मान सकते यहाँ पर, है ना। वाई का मान आप जीरो दोबारा नहीं मान सकते, या फिर एक्स का मान तुम एक नहीं मान सकते, तो मानेंगे तो ये हो जाएगा दो, वाई की जगह पर मैंने दो माना था, तीन दूनी छः माइनस का छः इधर के क्या हो जाएगा प्लस का छः, दो चौके आठ, तो एक्स का मान आ गया चार, तो एक्स का मान चार, वाई का मान आपने दो माना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पेपर पे हल करना है, ये आपके आंखों के सामने हल करेंगी, ये ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है। मैं अभी ग्राफ पेपर जो आपके सामने हल करने वाला हूँ वो पेन से करने वाला हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से करना है, आपको डार्क दिखे इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में पेंसिल से ही करेंगे, ध्यान रखना। पेन से कर रहा हूँ तो इतना हल्का दिख रहा है, अगर पेंसिल से करता तो आपको वीडियो में इतना हल्का दिखता ना, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये आपका केंद्र, ये आपका ऊपर वाई, नीचे आपका क्या है वाई डैश, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ओके। पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं, पहला बिंदु है 0,6, एक्स पे जीरो वाई पे छः, एक्स पे जीरो वाई पे छः, पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा बिंदु है एक्स पे तीन वाई पे जीरो, एक्स पे तीन जाना है वाई पे जाना ही नहीं है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, ये पी है और ये क्यू, ठीक है। और जो समीकरण उसे लिख दीजिए, पहला वाला समीकरण क्या था, टू एक्स प्लस वाई बराबर छः, दूसरे वाले पे आ जाओ, पहला बिंदु 1,0, एक्स पे वन वाई पे जीरो, ठीक है, ये वाला बिंदु है, बिंदु का नाम है आर, फिर एक्स पे चार जाना है वाई पे दो, एक्स पे चार जाना है वाई पे दो यहाँ पर, तो ये बिंदु आपका एच है। फिर क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमने इस समीकरण का नाम लिख दिया, टू एक्स माइनस के थ्री वाई दो, तो यहाँ पे कट रहा है, ये प्रतिच्छेदित बिंदु है, यही आपका हल है। तो देखो x पे कितना गया, इतना, और y पे गया इतना, x पे कितना गया 2.5, है ना, ये आप पूरा आधा आधी है, तो x का जो मान होगा, बिंदु लिख लो पहले 2.5, और y पे कितना गया एक, तो x का मान है 2.5, y का मान है एक, ये आपको आपका आंसर मिल गया ग्राफी विधि द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये आप खुद करेंगे, होमवर्क है मेरी तरफ से, इस
इसे खुद बनाओ के मुझे कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए ये चीज़ इसके बराबर होगी। करते हैं तो 22वां प्रश्न है, तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष क्या है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी नीचे ऊपर ये सेम हो और चिन्ह का फर्क हो तो आपको क्या करना है, परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देना परिमेयकरण करने पर, इसी स्टेप में कर देता हूँ। विपरीत चिन्ह या माइनस का प्लस, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या हो जाता है गुणा। ये चीज़ दो बार है तो अंडर रूट के अंदर ये कितनी हूँ, कितनी बार गुणे में, दो बार, तो घात में 2 लग जाएगा। ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सूत्र क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे यही चीज़ आ जानी है 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसकी जगह आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात अंदर जितनी उसकी बाहर आके आधी हो जाएगी, तो 2 की आधी क्या होती है, 1। एक लिखो ना लिखो बात एक ही बराबर है, कॉस स्क्वायर बाहर आके हो जाएगी घात 1। अलग अलग बट्टे ले लो, एक के बट्टे में कॉस आ गया, साइन के बट्टे में कॉस, 1 बट्टे कॉस क्या होता है बच्चों, सूत्र सेक, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया सॉल्व, देखिए सेक ए प्लस 10 है। अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, इसको सॉल्व सरल करना है, ये करना था या फिर ये करना, हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ लिखना है बायां पक्ष लेने पर। यहाँ पर क्या है, कॉस ए प्लस यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, ये प्लस बीचों बीच है, फिर यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, बट्टे में है कॉस ए। ठीक है, क्या कोई सर्वविषमिका लग रही है, नहीं सर्वविषमिका नहीं लगती, तो साइन कॉस में बदलना पड़ता है। तो पहले से ही साइन कॉस में बदला है, नीचे नीचे गुणा कर दूँ फिर हल करना पड़ता है लॉस्ट ऑफ वाले के, इसके गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन गुणा 1 प्लस साइन, 2 बार गुणे में है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 एकम 2 ए बी, 2 साइन ए। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 लिख दिया, यहाँ ऑलरेडी 1 है, देखो इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है 2 प्लस 2 साइन ए। ऊपर से उपनिष्ठ क्या है, 2 उपनिष्ठ है, 2 एकम 2 2 बाहर आ गया, यहाँ से बचा सिर्फ साइन है। ऊपर नीचे गुणे भाग में कट जाएगा, और ऊपर 1 बचा बट्टे में कॉस, 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा सेक। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था 2 sec a। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है, दोनों प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। कह रहे निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, उपयुक्त आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है और फिर माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैं माध्य नहीं, मैं माध्य का निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि माध्य निकालना तो अभी मैंने आपको सिखाया है, क्या पता एग्जाम में माध्यिका आ जाए,
ठीक है, तो मैं माध्यिका करवा दूंगा, या माध्यिका इस वाले पार्ट में निकालना है ना, तो माध्यिक इस वाले पार्ट में मैं निकाल दूंगा, ठीक है, बहुलक भी निकाल देंगे, माध्यिक याद करना आप निकाल देना, माध्यिक कैसे निकालोगे, मैं बहुलक निकाल दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने माध्यिक किया हुआ है, ठीक है। तो का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले देखो जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, बहुलक निकालना है ना, और तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है 23, तो इसे F1 कहते हैं, इसके बाद वाले को F2 और इससे पहले वाले को F0, और F1 के सामने वाले को इसे कहा जाता है बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या है, 35 से 45, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है, ये L हो जाएगी, कितने कितने का अंतर है, 35 से 45 10 का अंतर है, ठीक है। तो सूत्र में आ जाइए बहुलक के, बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। एल का मान है 35, F1 है आपका 23, F0 आपका है 21, H का मान है 10, 2F1 23 तो 46, F0 है 21, F2 है 14। 23 में से 21 घटाएंगे 2, तो 2 2 20, तो ये हो गया 35, 46 में से 35 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको भाग देना है 20 में, भाग देना है आपको 11 से, दसों के दो स्थान देख लेना, 11 एकम 11 11 अट्ठे 11, वही हो गया 35 में 1, तो यह आ जाएगा 36.81, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में आपको माध्य खुद निकाल के बताना है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने माध्य निकालना सिखाया है, तो किस विधि से माध्य निकाल रहे हो और कितना आंसर आ रहा है आपको खुद कमेंट करना है, और इस वाले पार्ट में बहुलक आपको खुद निकाल के बताना है, क्योंकि बहुलक मैंने अभी निकाल के दिखा दिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कौड़ी लग जाएगा, 85 पे ख़त्म है, 85 शुरू है, वर्ग अंतराल से ही है, सबसे बड़ी बारंबारता ये 20 है, तो ये आपकी F1 है, ये आपकी F0, नीचे वाली क्या हो जाएगी F2, इसी के सीध में आओगे, ठीक है ना। तो 125 आपको क्या मिल जाएगा, L और H कितने कितने का अंतर है, 20 20 का अंतर है, सब कुछ निकाल के रख दिए, बस इस सूत्र में रखना, हल करना और मुझे मेरा आंसर बताना, ठीक। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ माध्यक, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता वगैरह चाहिए होते हैं, है कि नहीं, तो उस चीज़ के लिए पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल, पहले हमें दिया होता है वर्ग अंतराल, फिर हमें दे रखी होती है बारंबारता, और फिर हमें चाहिए होती है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता और ये संचयी बारंबारता। सबसे पहला दे रखा है 65 से 85, फिर 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। एफ हमें दे रखा है 4 5 13 20 14 8 4। अगर आप ध्यान से पढ़ें, 68 उपभोक्ता बोले और इन सबको जोड़ोगे तो 68 ही आएगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, 68। और माध्यक वाले प्रश्न में ना एफ के कुल योगफल को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ये एन है। अब आपको सी एफ निकालना है, ठीक है, सी एफ में आ जाइए, पहला वाला वैसे का वैसे रहता है, 4 और 5 9, ठीक है, 9 में आपको कितना जोड़ना है, 13, ये कितना हो जाएगा, 22 22 और 20 42, ठीक है, 42 में आपको कितना जोड़ना है, 14, तो ये हो जाएगा 56 56 में 8 जोड़ना है,
कितना हो जाएगा, 64, 64 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 68। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 68 था, यहाँ पे भी 68 आया, तो आपके यहाँ पे कैलकुलेशन सही है। अगर ज़्यादा कम आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक, अगला जो स्टेप होता है वो स्टेप क्या होता है, एन बट्टे दो, एन बट्टे दो यानी कि 68/2, दो तीन 6, 2 4 8, 34 से ज़्यादा ढूंढना है आपको सी एफ में। पहला बार ज़्यादा, ज़्यादा तो बहुत सारे आएंगे लेकिन जो सबसे पहली बार ज़्यादा होगा वो है 42। इसी के सीध में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किस सीध में आ रहा है, एफ के सीध में है, तो ये एफ है, जहाँ से आपने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला, ये आपका सी एफ होता है। और आपका एच कितना है बच्चों, 20-20 का अंतर है, तो एच 20 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा माध्यक वर्ग, तो और इसे हम कहते हैं एल, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब आ जाओ माध्यक के सूत्र में, एल प्लस एन बट्टे दो माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे एफ, ये आपको आपका सूत्र मिल गया। अब सूत्र में सारे मान रखिए, एल का मान है 125, एन बट्टे दो है 34, सी एफ का मान है 22, एच का मान है 20 और एफ का मान भी है 20। 20 से 20 कटो, घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137 आपको आपका माध्यक मिल गया, ठीक है। तो दो चीज़ कैलकुलेशन करके मुझे आप कमेंट में आंसर बताइए, इसका क्या आ रहा है, इसका आपको कमेंट करके बताना है कि माध्य कितना निकला, और इसका कमेंट करके बताना है कि बहुलक कितना निकला, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।